हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेंशन मेंबर पर बेस्ड। ठीक है, तो देखिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या है कि चित्र में दर्शित तनन उपांग में यदि यदि 20 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तथा प्लेट की मोटाई 10 mm हो तो उपांग की तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफ टी दे रखा है आपको 150 N/mm², यानी जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो 150 N/mm² आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, चित्र में दिखाया गया है आपका, ये एक प्लेट है पूरी, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी 200 mm है और जो इसकी थिकनेस है वो 10 mm, ठीक है, थिकनेस है इसकी वो आपका 10 mm दे रखी है और इसमें क्या है 20 mm व्यास के रिवेटों का 20 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया है और इसमें जो पिच दे रखी है आपको, ठीक है, वो कितनी दे रखी है 60 गेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है आप लोगों को 60 mm दे रखी है और यहाँ पे जो स्टेगर्ड पिच दे रखी है वो आपकी 50 mm दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है आपका बी बराबर, हमने लिख लिया डाटा सारा, बी बराबर 200 mm है, टी बराबर 10 mm और आपका फाई 20 mm है। ठीक है, जो डायमीटर ऑफ रिबेट है वो ग्रोथ डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 20 + 1.5 यानी 21.5 mm हो जाएगा और जी बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 mm, यानी जी मतलब गेज डिस्टेंस है और स्टेगर्ड पिच आपका P1 बराबर 50 mm, ये सारे डाटा हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो जोड़ है, ठीक है, ये जो ज्वाइंट किया आपने, यानी कि जो ये जो जॉइंट है ये किस किस सेक्शन पे आपका फेल हो सकता है, ठीक है, वो देखना है हमें। तो इसमें पहला आपका काट रेखा 1 2 3 4, काट रेखा 1 2 3 4, या तो ये इस वाली लाइन पे विफल हो जाए, ठीक है, इस पर फेल हो जाए आपका ये, या फिर आपका क्या है काट रेखा 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, यानी इन दोनों में से किसी न किसी एक काट पर ये फेल हो जाएगा। अब ये कौन सी कार्ड पे फेल होगा इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इसके नेट एरिया से, यानी जिस जिस सेक्शन पे नेट एरिया कम होगा ये सेक्शन उसी से फेल होगा। ठीक है, तो यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों सेक्शंस पे नेट एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले निकाल लेंगे सामर्थ्य न्यूनतम शुद्ध क्षेत्रफल के आधार पर ज्ञात की जाएगी। ठीक है, जो भी न्यूनतम शुद्ध क्षेत्रफल यानी जो नेट एरिया होगा मिनिमम नेट एरिया उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहला है आपका काट रेखा 1 2 3 4 पर प्रभावी चौड़ाई, तो आपका 1 2 3 4 इस पर हमें क्या निकालेंगे प्रभावी चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका इसमें क्या हो रही है आपकी चैन रिवेटिंग हो रही है, जब चैन रिवेटिंग हो रही होती तो उसके लिए क्या होता है आपका इफेक्टिव विड्थ बी माइनस एन डी, एन क्या होता है यहाँ पे एन होता है यहाँ नंबर ऑफ रिवेट्स और डी आपका ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट होल या डायमीटर ऑफ रिवेट होल या फिर ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट। तो बी 200 mm दे रखा है आपको और जो इस लाइन में जो रिबेट्स हैं रिबेट की संख्या कितनी है इस लाइन में वो 2 रिबेट लगे हुए हैं, तो 2 × 21.5, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 21.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 157 mm आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बी तो आ गया, इफेक्टिव विड्थ आ गई यहाँ पे, और आप क्या करेंगे हम आसानी से नेट एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका नेट एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका 157 × 10, यहाँ पर 10 क्या है, ये 10 है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, जो आपका टेंशन मेंबर है उसकी थिकनेस है 10 mm। तो जब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया इसका तो एरिया कितना आ गया नेट एरिया 1570 mm², ये नेट एरिया आ गया किस सेक्शन पे 1 2 3 4 पे। अब हम फिर से चेक करेंगे जो आपका दूसरा सेक्शन है वो है 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4 इस पे हम क्या करेंगे नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे और नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले आप इफेक्टिव विड्थ जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे बी ई बराबर हो जाएगा आपका ये बी माइनस एन डी प्लस एन वन पी वन स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, अब ये जब क्या होता है कि यहाँ पे स्टेगर्ड लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है, यानी सेक्शन में क्या है स्टेगर्ड लाइंस आ गई हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाता है आपका वो ये वाला बन जाता है, यानी इतना पोर्शन क्या होता है इसमें और अलग से ऐड हो जाता है स्टेगर्ड लाइंस के लिए जो विषम जो रेखाएं होती हैं उनके लिए। ठीक, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी माइनस एन डी प्लस एन वन पी वन स्क्वायर बाई फोर जी। पी वन क्या है आपका स्टेगर्ड पिच है और जी क्या है गेज डिस्टेंस है, एन वन क्या है नंबर ऑफ स्टेगर्ड लाइंस यानी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं, जैसे इसमें दे रखी हैं आपकी ये दो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली है, तो एन वन कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एन वन टू हो जाएगा। तो बी कितना है 200 एम दे रखा है, एन कितना है 3। अब ये एन 3 क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि इस वाले सेक्शन में 1, 2, 5, 3, 4 में जो नंबर ऑफ रिबेट्स हैं वो कितने हैं 3 हैं, तो इसमें एन बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया है। पी वन कितना दे रखा है, स्टेगर्ड पिच कितनी दे रखी है ये कितनी, दो कॉन्सिक्यूटिव रिबेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है आपकी स्टेगर्ड पिच कहलाती है। तो ये कितनी है आपकी 50 mm दे रखी है यहाँ पे पी वन, और जी कितना दे रखा है आपका जी 60 mm दे रखा है, और एन वन कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, सारी वैल्यूज ये दे रखी हैं आपको सारी, और ये हम कहाँ लगा देंगे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बी यहाँ कितना जाएगा 200 - 3 × ND 21.5 हो जाएगा, प्लस एन वन 2 आ जाएगा, और पी वन कितना है 50, तो 50 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 4 और जी। ठीक, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, और जब हमने सॉल्व किया तो ये जो बी की वैल्यू कितनी आई आपकी निकल के वो आई है आपकी बी बराबर 156.33 mm। यहाँ पे जब बी कितनी आई थी 157 आई थी, यहाँ पे कितनी आई आपकी 156.33 mm, और यहाँ पे जो हम नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका ठीक है वो कितना आ जाएगा आपका 156.33 × 10। ठीक है, 10 क्या है आपका थिकनेस ऑफ टेंशन मेंबर। क्लियर, अभी जब इससे हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये आया आपका 1536.3 mm². अब पहले वाले केस में कितना आया था एरिया, वो आया था 1570 mm², इसमें आया 1563.5.3 mm². ठीक है, यानी इस वाली केस में जो एरिया है वो आपका न्यूनतम है, मिनिमम एरिया है। तो जो आपका टेंशन मेंबर है वो फेल किस सेक्शन पे होगा, वो 1, 2, 5, 3, 4 इस वाले सेक्शन पे आपका क्या है फेल हो जाएगा। और हम जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या करेंगे इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक, तो सामर्थ्य कितनी हो जाएगी इसकी, क्या हो जाता है आपका नेट एरिया हो जाता है इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो नेट एरिया कितना है आपका जो मिनिमम है 1536.5 × परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है 150 N/mm² दे रखी है। जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया 23495 N और 234.5 kN, ये आ गई इसकी इस जॉइंट की सामर्थ्य, फिर कह सकते हैं इस टेंशन मेंबर की जो सामर्थ्य है वो कितनी है, वो 234.5 kN है। तो देखिए ये था पूरा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी ये, और आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों को, ठीक है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।